कर लिया तुम लोग का लिहाज। अगर इतनी ही गैरत है ना तो जाओ जाके अपना और अपनी माँ का बंदोबस्त करो। बहुत कर लिया अपनी बुढ़िया की खिदमत है, हमने ठेका नहीं उठाया उस बुढ़िया का सारी जिंदगी का। ये क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो? कौन है ये? मैं पूछ रही हूँ कौन है ये? तुम्हारी होने वाली सौतन है। जी हाँ, सुन लिया तुमने, मैं शादी कर रहा हूं इसी से जिसके साथ करना चाहता था। ये उसी के कपड़े सी रही हूं। अगर अपने से तुम्हें छोड़ने का वादा नहीं किया होता तो मैं तुम्हें कब का छोड़ चुका होता, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है मेरी बीवी रहने की, या कभी मेरी बीवी होती तन, औकात ही नहीं है तुम्हारी। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने, आई लव हर टू। तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसे पता चल गया तो चल गया, मैं थोड़ी तुमसे शादी के फैसले से पीछे हटूं। मैं चाहती थी कि यह बात शादी के बाद खोले, अब तक तो उसने फोन करके सबको बता दिया होगा। तो बता दे, मैंने कहा ना मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। पक्का? बस परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है? ये आपकी दुल्हन का जोड़ा सी दिया मैंने, अगर ऑल्टर करने होंगे तो बता दीजिएगा। और एक चीज और, ये भी रख लूँ। ये क्या है? कोर्ट से खुला के लिए रुजू किया था मैंने, कि उसका नोटिस है। मुझे ना छोड़ने का वादा अब्बू से आपने किया था, मैंने नहीं, मैं तो छोड़ सकती हूँ। किसी को कुछ नहीं बताया मैं नहीं चाहती कि आपकी खुशियों में कोई भी रुकावट डाले। शाहजेब को लेके आपकी जिंदगी से कहीं दूर चली जाऊं, बड़ी तुरम खान बन रही हो, आखिर जाओगी कहां? अपना कमाते ले लूंगी किराए पे कोई भी छोटा सा। अम्मी, तुम अचानक लाहौर से कैसे हो गए भाई? कर दिया ना आपको हैरान, मैंने सोचा घर जाके सबको सरप्राइज दूंगा। अम्मी कहाँ हैं? अम्मी तो आसिफ क्या गई नहीं, लेकिन मेरी अस्मा भाभी से बात हुई थी, उन्होंने कहा जमाल भाई घर है। वहाँ मैं इधर ही थी, बस उनको आसिफ की याद आई तो वहाँ चली गई। अच्छा, कोल्ड ड्रिंक लाओ तुम्हारे लिए। नहीं भाभी, मैं पहले अम्मी से मिलूंगा। अरे वलीद,
क्या हाल है, कैसे हो? तुम कहाँ पाए यार? बस थोड़ी देर पहले आया हूँ, धक्का लगाऊं? यार असल में काफी दिनों से खड़ी हुई थी ना, तो ठंडी हो गई है शायद। एक मिनट, ये जरा इसका प्लग टाइट कर दो। आप स्टार्ट कर। हाँ हो गई हो गई। चलो कहीं बैठ के चाय पीते हैं, मैं वैसे भी आमिर की तरफ ही जा रहा था। यार मैं पहले अम्मी से मिलूंगा, उन्हीं को सरप्राइज देने के लिए आया था, तो पहले मैं अम्मी से मिलने जा रहा हूँ। यार एक बात कहूँ तुझे? बोलो। अब अगर तू लाहौर जाए ना, तो अपनी अम्मी को साथ दे जाना अपने। क्यों? यार मैं तुझे कॉल करने ही वाला था, लेकिन ना मेरी अम्मी ने कहा कि तुम दूसरों के घर के मामले में मत पड़ो। क्या हुआ? यार उस दिन तुम्हारी भाभी ने ना उनको घर से धक्के दे के बाहर निकाला था, और यहाँ पे रश लग गया था, बल्कि मैंने ही उन्हें रक्षा करवा के छोड़ा था। पता नहीं वो कहाँ गई होंगी। अम्मी, अम्मी, भाभी अम्मी गए। वो यहाँ नहीं, वो तो जमाल भाई क्या है? वो वहाँ नहीं, वो यहाँ आई थी। अरे वो यहाँ नहीं आई, क्या हुआ है? वलीद मेरी बात तो सुनो, वलीद। देखे अपनी दादी के काम, सबको परेशान करके रख दिया है। देखा, कहा था ना मैंने कि दादी को घर से मत निकाले। अब अबू आएंगे ना तो पता चलेगा आपको। चुप कर जा, चुप कर जा। अब अगर एक लफ्ज भी तुमने बोला ना इस बारे में तो अच्छा नहीं होगा, मुंह तोड़ दूंगी। खबरदार जो बात अपने मुंह से निकाली दोबारा तो। अच्छा, दुआ करें कि अब दादी सही सलामत वापस आ जाए। अरे कुछ नहीं होगा तेरी दादी को, सबको मार के मरेगी वो, परेशान करके रख दिया है। या अल्लाह ये बुढ़िया मिल जाए, या अल्लाह मुझ पे रहम कर। वलीद, चलो कभी मुझे माफ कर दे। मैं तो कभी छोड़ नहीं पाऊंगा मैं। बेटा अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ, वरना एक और माँ अपने बच्चों का इंतजार करते करते हमेशा के लिए सो जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं
इतनी मुश्किलों से मम्मी को नींद की गोली देकर सुलाया, कुछ तो ख्याल करो। अरे इसे किसी का लिहाज नहीं है। किसी का लिहाज नहीं करूंगा मैं, बल्कि मेरा दिल तो चाह रहा है कि सारे लिहाज भूलकर अपने भाइयों को गिरफ्तार होकर के पूछो कि चार बेटों के होते हुए हमारी माँ क्यों नाराज की तरह ओढ़नी छोड़ने पड़ी रही। अरे भाई हमने से तो किसी को पता ही नहीं था कि वो कहाँ गई हैं। अपनी जबान और बंद रखे तो अच्छा है। तमीज से बात करो मुझसे, अच्छा बड़ी हूँ तुमसे। बंदे में से बात रखू, जब आप मेरी बात को धक्के लेकर घर से बाहर निकाली थी तब आपको एहसास नहीं हुआ कि वो हमसे बड़ी है। अरे अरे देखो देखो कैसे झूठे झूठे इल्जाम लगा रही है मेरे ऊपर। झूठे इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैं, मेरे दोस्त ने भी आंखों से देखा है, बल्कि मोहल्ले के बाकी लोगों ने भी देखा है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मेरे साथ बाहर चले, मैं आपका सामना करवाता हूँ। देख रहे हो तुम कैसे पुलिस वालों की तरह सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं मुझसे और तुम बुद्ध बने बैठे हो। दिल तो मेरा चाह रहा है कि आपको पुलिस के हवाले कर दूं। बस ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, बहुत सह लिया मैंने, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत कर लिया तुम लोगों का लिहाज। अगर इतनी गैरत है ना तो जाओ जाके अपना और अपनी माँ का बंदोबस्त करो। बहुत कर लिया अपनी बुढ़िया की खिदमत है, हमने ठेका नहीं उठाया उस बुढ़िया का सारी जिंदगी का। अबे एक लफ्ज और नहीं, तुमने मेरे सब्र का नाजायज फायदा उठाया है। मैं बर्दाश्त करता रहा मगर तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने नहीं सोचा था। अब तुम इस घर में एक लम्हा नहीं रहोगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अब तुम्हें इस घर में। निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। नहीं, क्या कह रहे हो जवान, क्या कर रहे हो जवान, छोड़ो मुझे। चलो मैं चलो यहाँ से, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया सऊद और अज़रा को अगर आप देखना चाहते हैं तो देखें ड्रामा बेबी बाजी। और बेबी बाजी ड्रामा देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ARY डिजिटल का चैनल। तो जाएं सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें।